हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे MTP। MTP मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले स्वतः ही गर्भ समापन की प्रक्रिया को MTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। कुछ दवाओं की सहायता से, कुछ दवाओं का उपयोग करके कुशल डॉक्टर की देखरेख में यह कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा रिस्क होता है। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 56 मिलियन MTP होती है, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या। विश्व में लगभग 56 मिलियन भ्रूणों की हत्या होती है। भारत में भी यह आंकड़ा कम नहीं है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15.6 मिलियन MTP कराया जाता है। सोचिए आपकी कितनी बड़ी भ्रूण हत्या भारत में की जाती है प्रतिवर्ष। MTP एक जघन्य अपराध है, फिर भी भारत सरकार MTP एक्ट भारत सरकार ने 1971 में पारित किया। इसके तहत MTP एक्ट के तहत इसे कानूनी स्वीकृति भी प्रदान की गई है। कुछ लोग इसी MTP एक्ट 1971 का दुरुपयोग करके मादा भ्रूण का समापन कर देते हैं, जिससे स्त्री पुरुष लिंगानुपात काफी बिगड़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। इसका उद्देश्य यानी MTP एक्ट 1971 जो पारित हुआ, इसका यह उद्देश्य नहीं था कि जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं था। MTP का जो प्रमुख उद्देश्य था वह अनचाहा गर्भ या बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या गर्भस्थ शिशु के रोगग्रस्त होने की स्थिति में गर्भ समापन की प्रक्रिया को यह मान्यता देता है। लेकिन कुछ लोग इसी MTP एक्ट 1971 का दुरुपयोग करके उस लिंग परीक्षण करा लेते हैं और मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसकी भ्रूण हत्या करा देते हैं, जो एक जघन्य अपराध है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह काफ़ी जघन्य अपराध है। लेकिन यह उन दशाओं के लिए भी बनाया गया था, भारत सरकार ने उस स्थिति के लिए MTP एक्ट ले आया था 1971 में, कि अनचाहा भ्रूण हो या भ्रूण वह रोगग्रस्त हो रहा हो, ऐसी संभावनाएं हैं कि भ्रूण जो है वह जन्म लेने के बाद बच्चा रोगग्रस्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में MTP काफ़ी आवश्यक था। या कभी कभी बलात्कार की स्थिति में भी जो बालिकाएं हैं, किशोरियां हैं, वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में भी MTP एक्ट के तहत उसका समय से पहले ही कुशल डॉक्टर की देखरेख में उसका गर्भ समापन किया जा सकता है। यह तो आवश्यक है, यह ठीक है, परंतु उस भ्रूण का परीक्षण करा लेने पर, मादा भ्रूण होने पर उसकी हत्या करा देना, भ्रूण गर्भ में ही हत्या करा देना, एक जघन्य अपराध है। MTP जो होती है यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यह गर्भधारण के 12 सप्ताह यानी 3 से 3.5 महीने तक ही यह सुरक्षित होती है, क्योंकि जब उसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो जाता है, उस समय MTP कराना, उस समय गर्भ समापन कराना, भ्रूण जो कि जिसके शरीर में भ्रूण विकसित हो रहा है यानी गर्भवती के लिए यह काफ़ी हानिकारक होता है। कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं या दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जीवन अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो आप याद रखेंगे कि विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 56 मिलियन MTP कराई जाती है और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15.6 मिलियन MTP कराई जाती है। और एक चीज़ आप यह भी रखेंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में आता है कि MTP एक्ट भारत सरकार ने कब पारित किया, तो MTP एक्ट सन 1971 ईस्वी में पारित किया गया। थैंक यू।